देखे दोस्तों कितना मस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। खाने में भी लाजवाब लगेगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में सब खुश खुश होंगे। होंगे। और दोस्तों अभी सुबह के 11 बज चुके, दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों आज 11 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। गए थे दोस्तों सुबह सुबह शकरकंद कोड़ने के लिए बारी, और दोस्तों दिखाएंगे दोस्तों कि कितना सारा शकरकंद कोड़ के लाए हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा शकरकंद हुआ दोस्तों, और सुबह सुबह गए थे कोड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों भी आप लोग को दिखाते हैं कि कितना सारा शकरकंद कोड़ के लाए हैं। और अभी दोस्तों मेरे धर्मपत्नी जी भी दोपहर का खाना बनाएगी, और दोपहर का खाना क्या बनेगा स्पेशल दोस्तों, जो कि आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों यही शकरकंद कोड़ के लाए थे, और देखिए कितना मस्त है दोस्तों, और कितना बढ़िया बढ़िया शकरकंद बैठा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा है, बड़ा बड़ा भी है दोस्तों। इधर इधामा में है दोस्तों, और छोटा छोटा भी शकरकंद है, उधर बगल में रखे हुए हैं। और इधर देखिए ये बोरा में, आधा बोरा से ज्यादा है, देख सकते दोस्तों कितना मस्त मस्त है ऐसा। दोस्तों आप लोग को दिखाई कितना सारा शकरकंद फोड़ के आज सुबह सुबह बारिश से लाए थे दोस्तों। और दोस्तों कल हमारे यहाँ शिव चर्चा था, पूजा। और दोस्तों अभी मेरी धर्म पत्नी जा रही है सब्जी बनाने के लिए, वो भी शकरकंद का सब्जी दोस्तों, जो कि आज सुबह सुबह ही गए थे और कोड़ के आए हैं दोस्तों, लेके आए हैं बारिश से कोड़ के। तो उसका स्पेशल आज शकरकंद का स्पेशल दोस्तों सब्जी बनाने वाली है। तो अभी जा रही है दोस्तों सब्जी बनाने के लिए। प्रीति जी अब शकरकंद निकाल रही है और धोने के लिए दोस्तों जा रही है अभी। ये टूट गया है बीच में। अरे कितना बड़ा बड़ा है दोस्तों, इस बार शकरकंद थोड़ा कम बैठा है, अगला बार थोड़ा ज्यादा बैठा था, कम है इस बार। इस बार थोड़ा कम है। ये बोरा में है और इधर ही धामा में है, थोड़ा सा छोटका छोटका शकरकंद अंदर रखे हुए हैं। इतना ही बनाएंगे। कितना का बना रही है सब्जी? कितना का? बहुत ज्यादा ये वाला बना रही सड़ा है। हुआ लग रहा है, ये बीझल है? नहीं भेजा हुआ है। बीझल नहीं है, उतना होगा जी। हो जाएगा, एक और ले लो ना। उतना मत दीजिए, ज्यादा हाँ दोस्तों अच्छे तरीके से अभी धोएगी। जैसे आलू बैठता है ना दोस्तों, वैसे भी शकरकंद बैठता है मिट्टी के। और ये दोस्तों लाल वाला शकरकंद है, एक होता है सफेद वाला, उसको चरका शकरकंद बोलते हैं ना, ललका। एक गुलाबी है दोस्तों, और बहुत ही लाजवाब लगता है दोस्तों इसका सब्जी खाने में, इसका हलवा खाने में तो बहुत ही टेस्ट लगता है दोस्तों। एक दिन हलवा भी बनाएंगे। तो आज अभी दोपहर में आज स्पेशल सब्जी बना रहे दोस्तों, और अभी देखिए बनाने के लिए अभी धो रही है, धो के रखी हुई है। हाँ दोस्तों शकरकंद का सब्जी खाने में बहुत टेस्ट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और आज इसी का सब्जी बन रहा है हमारे घर में दोस्तों। फाइनली सारा शकरकंद धो ली प्रीति जी, और देखिए दोस्तों इधर कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, देखना एकदम गुलाबी कलर दोस्तों, और सारा धो लिया है। और अब जा रहे दोस्तों छीलने के लिए, छीलनी लाई है और छीलनी है ना। और अब इसका जो दिखा रहे दोस्तों जो छिलका है दोस्तों, इसको ऊपर वाला हटा देगी, तो अभी छिलनी से छिलेगी। देखिए दोस्तों छिल रही है, सारा छिलका हटा दे रही है दोस्तों, देखिए कितना मस्त। देखिए दोस्तों कितना मस्त छिला जा रहा है।
उधर देखिए दोस्तों, प्रीति जी अभी शकरकंद छील रही है, और इधर मेरा पटरू, पटरू है मेरा दोस्तों। देखिए एक घास खा रहा है। क्या है? बहुत तेज लड़ता है दोस्तों। अभी इसको अभी थोड़ा सा छेड़ देंगे तो हमको मारने लगेगा। और दोस्तों सारा छीलना हो गया है, और अब देखिए ले लिए बैठी काटने के लिए, और इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काटेगी दोस्तों। मस्त कटा रहे हैं, देखिए दोस्तों पतला पतला, उतना भी मोटा नहीं काट रही है। दोस्तों सारा कटिंग हो चुका है, देखिए उधर दिखा रही है मेरी धर्म पत्नी जी, पूरा भर के दोस्तों, एक बर्तन पूरा भर के है। और इधर देखिए आग भी जला ली है, और कढ़ाई भी चढ़ा दी दोस्तों, अभी गर्म हो रहा है। इसके बाद फिर तेल डालेगी, और इसमें ऐसे हम लोग बना खाते दोस्तों शकरकंद का सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्ट लगता है दोस्तों, जो कि आप लोग को अभी दिखा रहे हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया है, और इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल रही है, तेल डाल दिया दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों तेल गर्म हो रहा है, देखिए इधर तेल गर्म हो रहा है दोस्तों, और इधर मिर्च काट रही है प्रीति जी। और इसमें दोस्तों हरा मिर्च पड़ता है, जो कि मिर्च दे सकते हैं, लाल वाला मिर्च दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग ज्यादा लाल मिर्च नहीं खाते हैं, लेकिन हरा मिर्च हम लोग रोपे हुए मिर्च दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा फलता है, बेचते भी है और अपने घर में खाते भी है। इसी में दे दी, और इतना सारा है दोस्तों, देखिए कितना सारा शकरकंद है, जो कि कटिंग करने के बाद कितना मस्त लग रहा है। और देखिए दोस्तों ये रहा पचफोरन, तेल गरम हुआ, तेल गरम हो गया जी, और पचफोरन डाल रही है दोस्तों। देखिए कैसे चटकने लगा, तेल गरम हो गया था। एकदम सिंपल तरीका से हम लोग खाना बना के खाते दोस्तों, ज्यादा मसाला वसाला नहीं डालते हैं। देखिए इधर अभी जीरा डाल रही है, ये जीरा डाल दी थोड़ा सा, ये चटक रहा है दोस्तों। जीरा और साथ में दोस्तों पचफोरन दिए हुए हैं, और इधर कांच मिर्च इसी में मिक्स कर दिए हुए दोस्तों, सिंपल तरीका से बना रहे। हो गया जी गरम हो गया, और अब शकरकंद डाल दी दोस्तों, अब भूंजेगी। और बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता दोस्तों, इसको बहुत जल्द बन के रेडी हो जाएगा। अभी डाली हुई है, यही करीब ज्यादा वक्त नहीं लगता है, तुरंत सीझ जाएगा, क्योंकि शकरकंद को सीझने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। इसका सब्जी हमको बहुत अच्छा लगता है खाना दोस्तों, बहुत टेस्ट लगता है इसका सब्जी, और हम हमेशा खाते हैं। अभी आप लोग को दिखाया दोस्तों कितना सारा शकरकंद फोड़ के लाए हुए हैं, वो सारा रखेंगे और बस ऐसे ही सब्जी बना के खाएंगे, और इसको उबाल के भी खाएंगे दोस्तों। उबाल के खाने से भी और अच्छा लगता है दोस्तों। थोड़ा देर भूनने के बाद, और अब इसमें डाल रहे दोस्तों हल्दी और नमक और गोलकी, गुंडा हुआ गोलकी दोस्तों डालेगी साथ में। देखिए हल्दी डाल दी दोस्तों, कलर चेंज हो जाएगा, मस्त लगेगा। और गुंडा हुआ गोलकी निकालने के लिए जा रही है, वहाँ जो रखे हुए पीस के बाहर नहीं लाई थी। देखिए दोस्तों गोलकी डाल दी थोड़ा सा, नमक है स्वाद के अनुसार दोस्तों, नमक डाल दी
और अब थोड़ा भून जाएगी, इसके बाद फिर ढक देगी दोस्तों। मस्त लग रहा है, स्पेशल इसका हम लोग भुजिया बना रहे हैं शकरकंद का, देखेंगे क्या तो मस्त बनेगा दोस्तों। जो आप लोग को दिखाएंगे जब फाइनली बन के रेडी हो जाएगा तो खाने में तो लाजवाब लगता है सब्जी इसका दोस्तों। आप लोग भी बना के खाइए कभी घर पे, बड़ा टेस्ट लगता है, हम लोग हमेशा खाते हैं। ये कलर चेंज हो गया दोस्तों सब्जी का, देख सकते हैं हल्दी डालने के बाद कलर चेंज हो गया। आँच बहुत तेज लग रहा है, जल जाएगा। आँच कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़ा देर भूनने के बाद दोस्तों अभी ढक दिए हैं बर्तन से, और देखिए बन रहा है। अभी थोड़ा सीझेगा इसलिए ढक दिए दोस्तों, सीझने के बाद फिर भूजेंगे हल्का सा। तो आँच कम हो गया, अभी आँच बहुत तेज लग रहा था तो अभी निकाल के इधर तो को बता दिए, और अभी थोड़ा कम लहरने लगा, फूकने वाला कहाँ रख दिए हैं रे। दोस्तों फाइनली सब्जी बनके रेडी हो चुका है, तो अभी आप लोग को दिखाते दोस्तों। और शकरकंद का सब्जी बनाई हुई आज दोस्तों बहुत ही, अभी देखे दोस्तों कितना मस्त लग रहा है। और आज प्रीति जी शकरकंद का सब्जी बनाई हुई है, देखे दोस्तों कितना मस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा, खाने में भी लाजवाब लगेगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब। शकरकंद का सब्जी ऐसे बहुत ही टेस्ट लगता है दोस्तों खाने में, देखे कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही मस्त बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों कितना मस्त बना हुआ है। और दोस्तों दिखाया आप लोग को शकरकंद का सब्जी बनाया है और कितना मस्त बना हुआ है दोस्तों, आप लोग देखे अभी उतार रही है, उतार दे दोस्तों। और दोस्तों अब चले खाना खाने के लिए, और सुबह ही चावल बना हुआ था और सुबह का सब्जी जो खत्म हो चुका था दोस्तों, सुबह ही खत्म हो, थोड़ा सा सब्जी बनाई थी तो खत्म हो गया था, तो अभी शकरकंद का सब्जी बनाइए दोस्तों जो कि अब चले खाने के लिए। और दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं, और इस चैनल पे जो नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय जवाहर।